गुड इवनिंग सभी बच्चों को, शुभ संध्या, शाम होने की हार्दिक शुभकामनाएं 12 अप्रैल 2021 की। भैया सभी बच्चा आज बहुत ज्यादा तड़प रहे ने हम हूँ तुम हूँ लूसेंट के बिना, ठीक। चलो भैया यूनिट नंबर आज है 13 और 14, तो 13 और 14 दुर्भाग्य बस इतना तारीख है आज 12। चलो मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर दुई के बारे में आज हवा हवा करते हैं और सारी चीजें पढ़ते हैं। ओम प्रकाश लोधी, अनुज मिश्रा, राग नारायण, अमृतांश माधुरी पाल, गौरव जाट, लाइव एक्शन, क्या बात है, धमाकेदार वापसी आज करवा रहे हो तुम लोग। भैया वीडियो में लाइक शेयर रुके ना, धापड़ तोड़ अंदाज में बैटिंग हुई, नहीं तो मजा ना ही, पहले बता दिया सबका। तो आज मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर के बारे में बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करेंगे, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाओ, वीडियो को शेयर कर दो जबरदस्त अंदाज में। सोनू सिंह क्लास शुरू करो, क्लासे पढ़ावे आयन यहाँ पर, गौ नहीं करे तो आयन नहीं। चलो मनीष ध्रुवे, हेलो हेलो बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो सभी बच्चे उम्मीद करते आ गए, श्वेता छत्री, आकाश सिंह, निखिल कुमार सिंह, संदीप, सभी बच्चों को बता दें उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया जिसमें कोरोना जो है वो सिर्फ कोचिंग संस्थानों में जा रहा है जहां पे बच्चा कोरोना से संक्रमित हो जाएगा, बाकी ठेका की दुकानें खुली हैं वहां पर वो वैक्सीन आए तो सब बच्चा परेशान कुछ ना हो। अगर ठेका की दुकान में आदमी दारू पी के वैक्सीन पी रहा तो हम पढ़ा बंद न कर पे, वो पढ़ियो ऑनलाइन। चलियो तो ऑनलाइन पढ़ चालू करो जबरदस्त अंदाज में, ठीक भैया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चांदनी पाल, दिलीप भूषण, मोनू, मुनीस, पूजा, ओमकार, अवधेश, सभी बच्चे आ गए, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू रहेगा जबरदस्त। शुरू करते हैं ज्यादा समय ना गवाते हुए, सबसे पहले देख लेते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष, बहुत ही जबरा टॉपिक है और आज तक जीवन में तुमका ना समझ में आई लेकिन आज तुमका समझ में आई, और ऐसी चीजें बताइबे कऊ ना बताई सुई तुमका। सब जने बता दे मगध में हर्या का आए वंश, फिर शिशुनाग आए, फिर नंद आए। अरे भैया मगध राज्य के उत्कर्ष काहे पढ़ते हो, पहले यो बताओ कितने जनपद रहे। 16 जनपद मा केवल एक जनपद जैका नाम रहे मगध, याहे काहे चुनागा। सबसे पहले रीजन तो बात यह है सोचे वाली कि मगध राज्य का चुनने के पीछे बात क्या थी भाई साहब, ठीक है। चलो तो मगध वाले राज्य को उत्कर्ष के पीछे बात क्या थी तो देख लो, आज तुमको हम बताएंगे बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। पहला कारण था जिसको कहते हैं राजनीतिक शक्ति की श्रृंखला। और ऐसी चीज बताइए तुम जीवन में ना भूलिए भैया, आखिरकार मगध ही क्यों चुना गया, आखिरकार 16 महाजनपदों में मगध ही सर्वश्रेष्ठ क्यों था, मगध ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों था, तो बात समझे मेरे बच्चों, समझ जा राजनीतिक शक्तियों की श्रृंखला का मतलब क्या। तो भैया सबसे पहली बात, इसमें जो राजनीतिक कारण बना वो बना इसमें शासकों की श्रृंखला बनी, और ये जो शासक बने ना ये सारे शासक सब मजबूत बने। अब देखो कैसे बने तो समझ मेरा बच्चा, सबसे पहले मगध की विशेषता यह थी कि इसमें 3 वंशों ने शासन किया। एक वंश का नाम था हर्यक वंश, और हर्यक वंश में 3 राजा बैठी, कौन कौन, एक का नाम रहा बिंबिसार, एक का नाम रहा बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद इनका बचवा बैठ रहा है, उई बचवा का नाम रहा है अजातशत्रु, उई बचवा का नाम का रहे अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बचवा इनके बाद बैठ, उई बचवा का नाम रहा है उदयन, और उदयन के बचवा रहे
चौथे शासक रहे एवं अंतिम रहे हर्यक वंश के, उनका नाम रहे नागदशक। तो सबसे पहली बात तो याद हुई कि तुमका मगध राज्य में जो राजनीतिक शासक हुए, जो राजा भे, उई राजा लगातार जो वंश आए उई लगातार मिलत चले गए। तो जब मिलत चले गए तो हर्यक वंश का मामला समझो बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में, का चार शासक हर्यक वंश में मिले, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। उनके बाद जो अगला वंश आवा वो वंश आवा शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश जो आया इसमें दो राजा ने शासन किया, उन दो राजाओं के नाम थे, एक का नाम तो शिशुनाग ही था और दूसरे का नाम रहे शोक मनाओ लेकिन काले होके मनाओ, तो मतलब काला शोक। ठीक, उनके बाद एक वंश और शासन करते है मगध पा, उनका नाम रहे नंद वंश। और नंद वंश में देखो कौन कौन शासक हुए, एमा शासक भे, एक का नाम रहे महापद्मानंद, और एक एक के बारे में आज निचोड़ के रख दे नींबू की तरह। चलो महापद्मानंद, उनके बाद रहे घनानंद। तो सबसे पहले तो तुमका बात यह पता चल गई, क्या पता चल गई कि मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ और मगध राज्य को ही क्यों चुना गया 16 महाजनपदों में, तो 16 महाजनपदों में मगध इसलिए चुना गया क्योंकि उसका पहला कारण था राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण का मामला इतना जबरदस्त था कि इसमें शासकों ने लगातार क्या किया था, शासन किया था। एक का नाम था हर्यक वंश वंश, एक का नाम था शिशुनाग वंश, एक का नाम था नंद वंश। पहले तो मगध पर शासन करे वाले वंश का क्रम याद कर लो, हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद। वही वाला हाल है ना, जब हमने हर कर रहे हैं तो उसके बाद क्या है शिशु, शिशु के बाद क्या हुआ नंद। तो भैया तीन वंश शासन करें और तीनों के शास राजा याद कर लो, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। याद है कि शिशुनाग में शिशुनाग और काला शोक, नंद वंश में महापद्मनंद, घनानंद। तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई हुई है भैया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अच्छा तुमने शेयर कर दिया और करवा भी दिया, चलिए क्या बात है। चलो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में दिमाग में आ गई होगी। हाँ अब जैसे बहुत बच्चे पता का कहते हैं कि सर जी यहाँ पर एक नंदीवर्धन रहे तो वो भी बतेवे, लेकिन मेन मेन याद रखो जो पेपर में आवत है। फिर दूसर कारण देखो इनका का रहे, एक तो रहे राजनीतिक शक्ति, दूसर कारण रहे भौगोलिक कारण कि मगध उठा क्यों। तो भौगोलिक कारण के पीछे हर एक बच्चा आज से बता ले जाएगा, मगध ऐसा क्षेत्र था जहां पर लौह अयस्क भंडार उपस्थित थे, मतलब लोहे के भंडार अवेलेबल थे, मतलब लौह अयस्क की मात्रा कभी कमी नहीं हो रही थी। और जब लौह अयस्क नहीं कम हुआ तो मतलब हथियार जबरदस्त मात्रा में पैदा हो रही, ले उड़ा रहा उछाला। तो लौह अयस्क भंडार, और दूसरा कारण रहे भौगोलिक मा हाथियों की उपलब्धता। अब भैया अब जैसे अब युद्ध होते हैं कि आर्मी जा रही है ट्रक मा, ठीक है, तब युद्ध होते रहे लोग हाथी चलत रहे ढो ढो कर करके, ठीक है। तो भैया हाथियों की उपलब्धता थी, ये भौगोलिक कारण है जिससे मगध क्या हुआ शक्तिशाली बना। राजनीतिक कारण को पूछी तुमते बता दे, वहां पर राजा का शासन करे का बिल्कुल एक क्रम बनेगा रहे हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद बनेगा नंद वंश। और भौगोलिक को पूछी तो दुई दबाक बता दे हो, एक तो बताइयो लौह अयस्क भंडार अवेलेबल रहे जिससे हथियार बनाने में आसानी रहे, और दूसरा बताइयो हाथी रहे बहुत ज्यादा, तो युद्ध युद्ध बड़े ताबड़तोड़ अंदाज में होते थे। क्लियर। अब देखो तीसर कारण का रहे, तीसर कारण रहे मगध का कि आर्थिक क्षेत्र में यो रहे समृद्ध, आर्थिक क्षेत्र में ये क्या था समृद्ध था। और समृद्ध के पीछे रीजन तुमको बता दें, भारत शुरू से कृषि प्रधान देश था, जहां पे किसान के बदौलत कोई
अन्न पानी भी नहीं ग्रहण कर सकता था। भैया आर्थिक क्षेत्र समृद्ध का मतलब यहां की भूमि रहे उपजाऊ, का रहे उपजाऊ। तो जब यहां की भूमि रहे उपजाऊ और पता हो चाहिए भूमि उपजाऊ कब हो, जब उमा मिलत है पानी, और जब पानी मिली तब ही तो उपजाऊ कहलाई, नहीं तो उपजाऊ कहलाई बे न करी। तो इसके पीछे रीजन यो रहे कि जो मगध रहे वो गंगा और सोन नदी के बीच में स्थित रहे। पेपर में प्रश्न आवत बहुत तापड़ तोड़ अंदाज में कि मगध जो रहे शक्तिशाली होने के पीछे उसका रीजन उपजाऊ भी बताया जाता है। क्यों? रीजन ये था कि मगध जो था गंगा और सोन नदी के बीच में स्थित था, क्योंकि मगध पड़ता है बिहार में, और सभी बिहार वासियों को राघव सर का नमस्कार प्रणाम कि आप बिहार की धरती से हमें देख रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्यशाली वाली बात है कि बिहार के बच्चे लूसेंट में नंबर वन है। मैं उत्तर प्रदेश का हूं लेकिन बिहार के बच्चे लूसेंट के मामले में नंबर वन। बिहार के बच्चों से जीएस के वन लाइनर के प्रश्न कभी गलत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने मन लगा के मेहनत की होती है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना भाई? मजा ना आवा तो बेकार, नहीं तो बेकार। देखो फिर आनंद ना आइए, आनंद तबे तक आइए जब तक तुम लाइक और शेयर में हमका बढ़ोतरी करे रही हो। और कहूं तिनको तो तुम हमका बतायो कि सर जी तुम्हारा लाइक शेयर हम ना बढ़े हुए थे, हम कह दे हम जा रहे हैं। चलो अगला कारण का रहे मगध जो शक्तिशाली हो गया, तो उसके पीछे रीजन रहे तकनीकी। अरे बहुत जने सोच रहे हैं का हुआ कंप्यूटर बिजली उजली पैदा हुई गया रहे का ना, तकनीकी में मामला यो भरा है कि अजात शत्रु रहे, जो अजात शत्रु उसने शस्त्र चलाए थे, दो शस्त्र। एक शस्त्र का नाम था रथ मूसल और एक का नाम था महाशिला कंटक। तो भैया मगध फेमस इसलिए हुआ और शक्तिशाली इसलिए हुआ क्योंकि रथ मूसल और उस महाशिला कंटक दुई हथियार चलाए नहीं राज्य के राजा लोग, जिनका नाम रहे अजात शत्रु। ठीक, चलो भैया निखिल कुमार सिंह आप बिहार की धरती से हैं, बहुत बढ़िया बच्चा। अंकित प्रजापति आप जहानाबाद से हैं, अरे जहानाबाद तुम्हारा फेवरेट है भाई साहब, चलो बहुत बढ़िया। हाँ सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, नहीं तो भाई साहब मजा नहीं आएगा पहले बता दें। तो तुमका पता चलेगा जबरदस्त अंदाज में आखिरकार 16 महाजनपद में मगध ही क्यों चुना गया, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यहां पर जो राजनीतिक कारण है, यहां पर सारे वंश मिलके करने राज जेमा हर्यक रहे, शिशुनाग रहे, नंद रहे। हर्यक के संस्थापक रहे बिंबिसार, अंतिम रहे नागदशक। शिशुनाग के संस्थापक रहे शिशुनाग और नंद वंश के संस्थापक रहे महापद्मनंद। एक एक प्रश्न बताओ ना राघव शर्मा नाम। चल तो इतनी बात तुमका समझ में आ गई हुई। ठीक चल, हाँ श्याम कुमार यादव कह रहे हैं मधुबनी से। श्याम जी आपसे बताना चाहते हैं कि एक प्रश्न आता है मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की पेंटिंग कहलाती है। भैया मधुबनी पेंटिंग तो अपना बिहार से है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना। निहाल पांडे उन्नाव जिला कुछ बड़ा करने वाला है सर। अरे उन्नाव जिला तो बड़ा करेगा, चाहे जितना लोग बता दें शिक्षा को लॉक कर दो, कोरोना से बंद कर दो, लेकिन ये मास्टर जब तक हैं तब तक कोरोना का को कुछ न बिगाड़ पाई। पढ़ाई बे वैसे जैसे ऑफलाइन में पढ़ियो। ठीक, ऑफलाइन तो ज़्यादा फीलिंग यहाँ पर दे बे, और प्यार करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फीलिंग, याद रखना। ठीक, प्यार सबको हो जाता है लेकिन जब तक फीलिंग ना हो तब तक प्यार का असली मजा नहीं। चलो तो उम्मीद करते ही का स्किन शॉट एक मारो बच्चा। स्किन शॉट का हमारी गांव में चाची कहती हैं, वही का मारत है एक दही के चीटिंग करना। तो चीटिंग कर लो फटाकते जल्दी, बहुत बढ़िया जबरदस्त अंदाज में चीटिंग मारो बच्चा चाची के कहने पे, क्या बात है। अब बात करते हैं भाई साहब आगे की तरफ। भाई साहब बहुत बढ़िया, तुम लोग पढ़ रहे हो मजा आ रहा ना। अगर तुमका मजा ना हुआ तो भाई साहब हमारा बेकार पढ़ाना। तो
तो कारण पता चल गया, अब मगध राज्य का बड़े प्यार से पढ़े जा रहे हैं, एक एक वंश पढ़े जा रहे हैं, तुमका कारण तो बता ही दिन। और यहाँ सबसे ज्यादा प्रशासनिक सैन्य कारण भी रहे, सबसे बड़ी सेना रहे यहां पर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई साहब, लगा लो हेडिंग हर्यकवंश। अभी देखो कैसे आज आतंकी हमला होता है, हर्यक वंश। अब एक बात समझो, हम बहुत ध्यान ते बतावा बहुत दिन ते चाहित रहे, लेकिन आज हम तुमका बताना चाह रहे जौन बिंबिसार रहे। बिंबिसार का जैसे तुम लोग मानत हो, बिंबिसार कोई सुरुम नहीं हर्यक बना दिन है, ठीक। मगध राज्य के जो संस्थापक रहे, जौन मगध राज्य के संस्थापक रहे, उनका नाम पहले सुन लो, फाउंडर। हम देखो अंग्रेजी आवत है हमका, ठीक। फाउंडर रहे जिनका नाम रहे बृहदत्त। मगध राज्य के संस्थापक जिनका नाम था बृहदत्त, और बृहदत्त के पुत्र रहे जिनका नाम रहे जरासंध। उनका महत्वपूर्ण ना ध्यान दियो, बस मगध की राजधानी तुमका बतावा रहे का रहे, तो मगध की जो कैपिटल थी उसका नाम था गिरिव्रज और राजगृह। गिरिव्रज और राजगृह दुई राजधानी रही कह की मगध पर। अब बृहदंत जो है एक ही हत्या मार दिन को, बड़े निर्मम तरीके से मारिस को, हर्यक वंश का राजा राय जी का नाम रहा बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश में जब वहां हत्या करके ये नया वंश बना दिया जिसका नाम रखा हर्यक वंश। और सबसे बड़ी बात हम तुमको बता दें, बिंबिसार जब गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज को ही बनाया। तो पेपर में प्रश्न आता हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बच्चा बच्चा बता ले जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। फिर पेपर में प्रश्न आता है, क्या आता भाई साहब कि हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कैपिटल इन्होंने बिंबिसार ने हर्यक वंश की क्या बनाई, तो याद रखेगा इन्होंने राजधानी गिरिव्रज या राजगृह ही बनाई, गिरिव्रज या राजगृह ही बनाई। भैया देखो आज शेयर में कमी ना करो यार, ठीक। अगर शेयर में कमी करो तभी तुम लोग कमेंट करो, तो इतने दिन से क्लास क्यों नहीं चल रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा आत्मा हमारा तृप्त कर देवो तो कि यो लागत हमारा बच्चा हमके प्यारे नहीं कर तो का हुआ जाए कर जाइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्यार करना, तुम लोग प्यार करते नहीं हो मैं, ठीक। चल गिरिव्रज और राजगृह दोनों का राजधानी को बना ले, दोनों का राजधानी बना ले बिंबिसार, ठीक। चल और हमारे बिना कहे लाइक शेयर दबा दिनो, हमका कहे का हो सकता ना डरो, नहीं तो बाद में यहो ब्लेम लगा देवो थो, तुम लाइक शेयर मांगा तो पढ़ावो तो कहो, कब हम पढ़ाई तो देखो, तो लाइक शेयर समझ जियो पढ़ाई कीमत आए कि ना आए। फिर आगे याद रखियो, बिंबिसार का एक नाम रहा जो पेपर में पूछा जा तो इका कहा जा, तो इनका उपनाम का रहा है, इनका उपनाम रहा जेका कहते हैं श्रेणिक। क्या कहते हैं? श्रेणिक। कुछ चीजें तुमका लूसेंटो नहीं मिलेगा, तुम लूसेंट पढ़ रहे हो लेकिन यह तुम्हारे हम स्टैंडर्ड है ऊपर के दिन, यहाँ स्टैंडर्ड लूसेंट का है, हम लूसेंट का ले जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ले जाए मतलब है तुम्हारा सिलेक्शन पेपर में होना, ठीक है। तो उपनाम जो है उनका नाम है कहते हैं श्रेणिक। अब सबसे बड़ी बात बिंबिसार के बारे में समझो, एक बिंबिसार का प्री हाथी रहे और उस प्री हाथी का नाम था सेनाग। क्या नाम था? सेनाग। ये भी पेपर में आता। बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य बैठत रहे, राजवैद्य मतलब चिकित्सक जेका डॉक्टर का हाथ, तब MBBS थोड़े होते रहे, और इनका नाम रहे जीवक। और जीवक का कामों पड़ा, पता का पड़ा, देखो
जीवक दुई लोगों की सेवमगे, दुई लोगों की सेवा करेगे ना जीवक। एक बार महात्मा बुद्ध बीमार हुई के रहे, तो उनके इलाज के लिए कौन गया? जीवक गए। क्लियर? एक बार एक राज्य है जिसका नाम है अवंती, महाजनपद था, और अवंती की राजधानी तो पता ही होगी, उज्जैन या महिष्मती। उज्जैन जो थी उत्तरी राजधानी थी, महिष्मती दक्षिणी राजधानी थी। क्लियर भाई साहब? अवंती या अवंती था, अवंती के राजा का नाम रहे, अवंती के जो राजा रहे उनका नाम रहे चंड प्रदोत, चंड प्रदोत अवंती के राजा रहे। और चंड प्रदोत का हुई गए, एक बार बीमार हुई गए, काहे थे बीमार हुई गए? पांडु रोग से। पांडु रोग जी का प्रेजेंट टाइम में कहा पीलिया, जैसे आज हम पीला पीला पहन के आए हैं, ठीक। पांडु रोग ते बीमार हुई गए, और जब बीमार हुई गए तो जीवक गे रहे इनका इलाज करे। तो पेपर में प्रश्न आवा था कि एक बार अवंती के राजा चंड प्रदोत हो गया बीमार, पांडु रोग से हो गया ग्रसित, तो उनका इलाज करे कोगा रहे, तो जीवक गे रहे। और यह प्रश्न आवत जीवक कई के दरबार में डॉक्टर रहे, मतलब राजवैद्य रहे, तो जीवक जो रहे बिंबिसार के दरबार में डॉक्टर रहे, यह याद रखियो भैया, ठीक। चलो क्लियर? तो एक एक प्रश्न का बिल्कुल निचोड़ करना है, फिर आगे बात समझो। अब बिंबिसार इतना चतुर रहा है, कैसे? इसने अपने राज्य का विस्तार पता कैसे किया? इसने अपने राज्य का विस्तार बड़े दिमाग से किया, ना लड़के किया ना झगड़ के किया, बहुत ही ज्यादा दिमाग से किया। कैसे? सब लोग चाहते हो कि हमार शादी होए, और जय के यहाँ शादी होए वहाँ एक बिटिया होए, और एक बिटिया होए तो वही कहें ना भाई होए ना बहनी होए, तो पूरी प्रॉपर्टी हमारी, और जब पूरी प्रॉपर्टी हमारी तो इसके बाद का हुई तुम्हा ही विस्तार तुम्हा हूँ विस्तार। क्लियर? मतलब कहे मतलब यूँ और शासन तुम्हा अपने घरम और तुम्हें ससुरम। तो भैया बिंबिसार ऐसे है आदमी रहे, वो लड़ाई वड़ाई झगड़ा अपने राज्य का विस्तार नहीं किया उसने, उसने अपने राज्य का विस्तार शादी करके कि शादी कर लो, उसमें राजा अटैक मारा करत रहे तो शादी कर लो, तो अगर उनकी पुत्रिस कर लो कौन राजा क्या बहन ते कर लो, तो वही कम से कम हमका आक्रमण न करिए हमारे ऊपर, तो हम मित्र जिये क्योंकि सगे संबंधी हुई जाइए। क्लियर? यो बात रहे। तो भैया यो अगर जब बात रहे तो देखो वही राज्य का विस्तार कैसे करें, तो बतावा जाए तुमका, पहले यहाँ कर लो थोड़ा छोटा, फिर इसको लगाते थे साइड में, फिर अब बात करते हैं आगे। इन्होंने जो राज्य का विस्तार किया वो विस्तार किया, अब शादी ना लिखे हो, विस्तार किया वैवाहिक संबंध बनाकर, वैवाहिक संबंध बनाकर। और देखो वैवाहिक संबंध कहाँ कहाँ स्थापित करें, अपन तीन जगह स्थापित करें, वो तो कहो किताब में मिलेगा तीन जगह, नहीं पता नहीं कितने जाने इनके संबंध रहे, ठीक है। चलो मुनेश बहुत बढ़िया बच्चा, लाइक कर रहा हो शेयर कर रहा हो भाई, ये कमी ना करना। और सभी बच्चों से बता दें हम आपको, अगर और लेवल की स्टैंडर्ड जीएस पढ़नी हो लूसेंट का छोड़ के, तुरंत जो पट्टी दिख रही स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लो, हमारा ऐप है। उसके बाद वहां पर यूपीएसआई के बैच है और राघव सर का एक बैच है त्रिशूल बैच, वही त्रिशूल बैच में पूरी जीएस पढ़ाई तुमका स्टैटिक जीके बिल्कुल घमासान तरीके, ठीक। वहां पर एक कोरिलेट है, मंजर है जीएस का 360 डिग्री वाला, क्लियर। और वहां पर तुम क्या पढ़ियो, सब कुछ पढ़ियो। और एक बैच है अंबुसर का मैथ का, उसका नाम सुदर्शन, तो ओमा तुम पूरा पूरा टाइप वाइज पढ़ियो। तो फटाफट जौन बच्चा अगर चाहत है कि त्रिशूल बनके पूरी जीत जल्दी जल्दी तैयार हो जावे, तो स्टडी पाइम पढ़ी लो बस, और ज्यादा रुपया नहीं ला, नॉमिनल फीस है उतनी फीस जितने में हम पंचे परिवार थोड़ा चल, बस बाकी कुछ। चलो क्लियर मुनेश बेटा, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे शेयर कर रहे हैं ना। अच्छा दिल से प्यार करते हैं आप हमें शिवम पाल जी,
क्या बात है मेरा शेर। चल, वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किया तीन जगह। एक तो रहे कौशल नरेश, और कौशल नरेश की राजधानी तो पता होगी श्रावस्ती, और कौशल नरेश जिनका नाम रहे प्रसेनजीत। का नाम रहे प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की बहन का नाम पता का रहे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन का नाम था जिनको कहते थे पता क्या महाकौशला। क्लियर? कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो बहन थी उनका नाम था महाकौशला। अब देखो मगध में बैठे रहे, अब भैया इनका पता हो गए महाकौशला हमार बीबी हुई गई। अब बीबी हुई गई और बीबी भाई कौन हुई गए? वो हुई गए प्रसेनजीत। तो साला कबो हमारे ऊपर आक्रमण ना मारी, और साला अगर जीजा के ऊपर आक्रमण मार दिस तो जीजा साला का रिश्ता का हो जी खत्म। ठीक, तो यो मामला हिया रहे कौशल नरेश वाला। उसके बाद कौशल नरेश के बाद एक राज्य पड़ा था जिसका नाम रहे वैशाली, और वैशाली मां राजा रहे जिसका नाम रहे चेटक, और चेटक के रही पुत्री उनका नाम रहा चेलना। क्या नाम था? चेलना। और चेलना से कहा कर लिन शादी। अब इनका पक्का पता होगा कि कौशल नरेश वैशाली ये दो लोग तो कबो आक्रमण में जीवन में न मरी है, कहे कि हम रिश्तेदार हैं। ठीक, चलो मुनि जी आप हमारे फैन हो गए, चलो बहुत बढ़िया। अरे बीच में छोड़ के हम ना जीवे, काहे परेशान हो। चलो हाँ, रेगुलर क्लास चलेगी, बस तुम्हारा लाइक शेयर मिलता रहेगा। तो अगर उसमें कमी आई तो भैया देखो हम वो इंसान है ना, वो मोटिवेट हम तुमका करे तो तुम हमका करियो ना करियो, तुम्हारा ये तो फर्ज ही है। उसके बाद तीसर संबंध स्थापित कर लें, एक रहे मद्र राजकुमारी। कौन था? मद्र राजकुमारी। और मद्र पढ़ा था बच्चा कहां पर? पंजाब में। मद्र राजकुमारी जिनका नाम रहा क्षेमा, और क्षेमा तो कर लेनी शादी। अब भैया तीन स्थान के पक्के और जो उन किताब में मिल जाते हैं, तो शादी में वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी काम चला लेन। ठीक, तो यो बात इनका समझ में तो मुख समझ में आ गई हुई, और इस प्रकार पूरा का पूरा बिंबिसार के बारे में तुम सीख ही गए हो। ठीक, अब आगे बात समझो बहुत ध्यान से। बिंबिसार के बाद बिंबिसार ने एक राज्य था जिसका था नाम अंग। अंग राज्य पर अंग राज्य को इन्होंने जीता था। तो पेपर में प्रश्न आता है कौन से मगध में कौन सा वंश था जिसके राजा ने अंग राज्य को जीता था, और अंग राज्य को जीता था वहां पर अंग में राजा ने ब्रह्मदत्त, और कई का हरा के जीतने राजा ब्रह्मदत्त का हरा के जीतने। ठीक, चल बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते दिमाग में तुम्हारे जा रहा हो बिल्कुल। हाँ अच्छा, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है वैशाली, आदित्य प्रकाश, क्या बात है यार, दिल खुश कर दे तू। चलो बहुत बढ़िया। अविनाश जी कह रहे हैं बिहार दरोगा पहले लूसेंट खत्म हो जाई, हमका का पता बच्चा खत्म हो जाए नो जी, हम रोज पढ़ाई पे बस इतना जाने तो लाइक शेयर तुम करियो। ठीक, हम तो रोज सोचिए थे आज 3000 वाचिंग आई है, लेकिन हम पूछी तुमते तुम ना बताइयो हमते कबो कि आज सर जी 3000 वाचिंग आई है कि नहीं, तुम बतावा करो कबो किस, केवल सर मास्टर है बताई, मास्टर बतावे और फिर मास्टर के बाद में घर आओ। चलो तो इतनी बात तुमका समझ में आ गई हुई, तो भैया हर्यक वंश में बिंबिसार अच्छे समझ में आ गया। अब बिंबिसार की कर देता है हत्या, कौन इनकी हत्या करता है ना जो व्यक्ति, उसका नाम था इनका ही बेटा जिसको कहते हैं अजात शत्रु। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन, और बिंबिसार की हत्या कर देता है कौन? अजात शत्रु, इनका लड़का ही हत्या कर देता। अब बड़ी समस्या, तो अजात शत्रु जब हत्या कर देता है, आगे बात समझो बहुत ध्यान से बिल्कुल। अच्छा दीपांशु जी कह रहे हैं जल्दी से 500 लाइव पूरा करो सर जी, सॉन्ग सुनाएंगे, पक्का सॉन्ग सुनाएंगे। ठीक,
तुम बस अच्छा देखो हम गा वा पाई तो नहीं लेकिन गाना सुनेबे तुमका, लेकिन 500 लाइक करी हो तो ठीक। फिर देखो आगे बात समझो बहुत ध्यान से बच्चा, स्क्रीन शॉट तो होगा हुई ना भय ले लो, हम हटे जा रहे नहीं फिर बाद में हमको चिल्लाइयो कि तुम पढ़ावत तो अच्छा हो लेकिन स्क्रीन शॉट नहीं ले देवत हो तो काहे हम डांट खाई तुम्हारे बच्चन की, हम वो इंसान है ना, हमारे मम्मी है पापा है ठीक। चल फिर आगे समझो बच्चा अजात शत्रु के बारे में बहुत ध्यान समझना मजा आ जाएगा। उइका कहत रहे श्रेणिक, अजात शत्रु का उपनाम है जिसको कहते थे कुड़िक। तो पेपर में प्रश्न आएगा अजात शत्रु का उपनाम क्या है, तो अजात शत्रु का उपनाम है कुड़िक। और ये सारे प्रश्न पता तुमका मिली भी न करिए, लूसेंट में मिली भी न करिए, शर्त लगा रहे ना मिली ठीक। चलो अनुज जी त्रिशूल बैच कब से स्टार्ट है, त्रिशूल बैच 15 अप्रैल तक चालू है और जिनका जीएस पढ़े कोई पूरी हमारी वो चले जाएं स्टडी पाई पर और त्रिशूल बैच ज्वाइन कर ले यो मान लो ठीक। पटना से हो पंकज बहुत बढ़िया बच्चा, लाइक ठोके रहो। चल बहुत बढ़िया, लाइक शेयर ठोके रहो ठीक। हाँ फिर उसी के बाद समझो इनका उपनाम पता चल गया कुड़िक, उसी के बाद इनकी पत्नी का क्या नाम था, बड़ा इंटरेस्ट रहता है जब महबूबा या पत्नी का नाम सुनते हैं, तो इनकी पत्नी का नाम था वजीरा। लूसेंट में है ही नहीं सब चीजें तो पढ़ियो कहां, हम दूंगा वो चीज पढ़ा दे बे जो दूंगा लूसेंट का कहूं ना मिली, तो एक पीछे के शेयर वेयर करे रही हो तो वहीं काम चली ठीक। हाँ फतेहपुर से हो शिवम ठीक बच्चा, शेयर वेयर पूरा मारे रहो बिल्कुल, हमारा ख्याल रखियो ठीक। चलो बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो तुम बच्चा, ठोक दिन अच्छा ठोक दिनो ठोक दो यार काहे परेशान। हाँ और अजात शत्रु ऐसे व्यक्ति रहे जो शस्त्र चलावत रहे, तब ही तो तकनीकी क्षेत्र में मगध आगे रहे। कौन शत्र शस्त्र चलाए, एक चलाएं रथ मूसल और एक चलाएं महाशिला कंटक। रथ मूसल और महाशिला कंटक, तो इतनी बात ये भी याद रहिए तुमका ठीक। आगे बात समझो, आगे यो समझियो अजात शत्रु जो रहे प्रारंभ में तो जैन धर्म का मानत रहे महावीर स्वामी का, लेकिन बाद में अजात शत्रु मेन रूप से कौने धर्म का प्रियोरिटी दीन, बौद्ध धर्म का दीन। और जब बौद्ध धर्म का ही प्रियोरिटी दीन तो भाई साहब सबसे बड़ी बात पता क्या हुई कि इनके समय में ही फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई रहे, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी तो सबको पता है वो हुई थी राजगृह में। तो अब तुमको पता चल गया अजात शत्रु किस वंश का शासक था, ये शासक था हर्यक वंश का। क्लियर क्लियर बिल्कुल, हर्यक वंश का शासक था। तो भाई साहब ये पता चल गया पहली बौद्ध संगीति कहां पर होती है, राजगृह बिहार में होती है। फिर आगे बात समझो मोर बचवा का समझोगे, और ई बौद्ध संगीति में ई तो रहे राजा और को रहे अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तुम्हें पता होई को रहे महाकश्यप ठीक। तो ये होएगा अजात शत्रु के बारे में, और अजात शत्रु एक राज्य का जीतिन है, वो राज्य का समझो कई पर विजय प्राप्त करें, वैशाली पर। वैशाली को किसने जीता, तो हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु ने जीता। और अंग की महाजनपद में जब महाजनपद पढ़ा रहे हैं तो वहां अंग की राजधानी याद करावा रहे, और राजधानी बतावा रहे का बतावा रहे चंपा के अंग में का है दर्द, मतलब अंग की राजधानी चंपा है ठीक। फिर बात समझ गए यहां पर, तो भैया वैशाली पर क्या प्राप्त करें विजय को अजात शत्रु भाई साहब, और कई की सहायता से
तो सहायतो लिही नहीं कही कि अपने एक मंत्री रहे जिनका नाम रहे वर्षकार, वर्षकार मंत्री, यहाँ पे लिख लेना सहायता और लिख लेना मंत्री, और इन्होंने अपने मंत्री मिनिस्टर वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। क्लियर? दिलीप यादव हम भी उन्नाव से परेशान ना हो, ठीक, बहुत बढ़िया। अंग अंग में दर्द है चंपा के, क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त बता रहे हो इनका है आदित्य प्रकाश और संध्या, कोई बात नहीं बता बत रहो। चलो अब अजात शत्रु का होगी काम खत्म, अजात शत्रु का होगा काम खत्म। अब अजात शत्रु के बाद, अजात शत्रु के बाद जो को आई पता, अजात शत्रु के बाद इनके बेटा, और आपका पता होना चाहिए अजात शत्रु के बाद जो बैठेगा गद्दी पे उसका नाम था उदयन। और उदयन कैसे बैठा, इसने भी हत्या कर दी, किसकी, अपने बाप की। अजात शत्रु हत्या करने अपने पापा की, ये अपने पापा की हत्या कर दी, और जब दोनों लोग हत्या कर दी अपने पापा पापा की, तो पापा पापा की हत्या करे के बाद तो एक पीछे हर्यक वंश को क्या कह दिया गया, तो याद रखना हर्यक वंश को कह दिया गया पितृ हत्या वंश। क्योंकि यहां पर तो बेटा अपने बाप के मारे देता रहे, तब ही तो क्या बोल देगा पितृहंता वंश। क्लियर, याद रखना, बहुत बढ़िया। हाँ, फिर उसके बाद उदयन के बारे में हमें एक चीज बताइए बस, उदयन जो रहे वे रहे जैन धर्म के अनुयायी। कौन है धर्म के? जैन धर्म के। और सबसे बड़ी बात, उदयन ने एक स्थापना की थी एक नगर की जिसको कहते हैं पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक तो उदयन का माना जाता, पेपर में कई बार पूछा गया पाटलिपुत्र किन नदियों में स्थित है, किन नदियों के मुहाने पे, तो गंगा सोन प्लस गंडक तीन नदियों के संगम पे स्थित है क्या, कौन सा शहर, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के संस्थापक माना जाता किसको, उदयन को माना जाता है। क्लियर, चलो। अच्छा पंकज जी, आपने 250 के ऊपर शेयर कर दिया, दिख नहीं रहा है यहाँ पर, है 250 आदमी तो दिखा पड़े, ठीक। फिर उसके बाद उदयन के बाद अंतिम राजा, उदयन के बाद जो अंतिम राजा बैठे गद्दी पर उनका नाम रहा है नागदशक। और नागदशक के बारे में हम कुछ ना बताइए बस, यह पेपर में आवत है कि हर्यक वंश का आखिरी बादशाह कौन था, तो 10 बार नाग दस्ता था तो नाग दशक हो जाता था। चल कुल मिला के इस प्रकार हमारा हर्यक वंश होता है का खत्म। वही के बाद हर्यक के बाद हम लोग पढ़वे का शिशुनाग वंश। हम तो ये कह रहे हैं फूल सिंह कह रहे हैं क्लास डेली आना तुम, हम तो डेली चले आएंगे तुम्हारे प्यार के पीछे, तुम भी हमारे प्यार के पीछे लाइक और शेयर डेली दबाना, ठीक। चलो भैया, उम्मीद करते हैं तुमको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों से बात करते हैं जो हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिशुनाग वंश। तो डालो, चलो एक बार हम दूंगा सबका बता दी, अगर तुमका स्टैटिक जीके के बारे में पढ़े हुए बढ़िया, तो स्टैटिक जीके के बारे में तुम डाउनलोड कर लो तुरंत स्टडी पाई ऐप, स्टैटिक जीके पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पर्यावरण साइंस सब कुछ पढ़ेंगे, पूरी जीके बिल्कुल उड़ा के फेंके वाली, और राघव सरजेमा मौजूद रही हैं तो मान लो जीएस उड़ा के फेंकी दिन जाते वो बचाया नहीं जाते। तो भैया एमा तुरंत बैच ज्वाइन कर लो स्टडी पाई पर, कोनो डाउट हो फोन नंबर दी ने मिला के पूछ ली नो, मैडम बोली है ना सरे बोली है, यो ना सोचो मैडम तो बतिया ली, ठीक। तो भैया आराम तो तुम पूछ ली नो स्टडी पाई पर कोर्स के बारे में, और पूरा का पूरा का कर ली नो जाँच पड़ताल,
और तब जाके तुम ले लीनो, तब जाके तुम पढ़ाई चालू करो और तब जाके तुम कलेक्टर बन जाओ। चलो भैया, तो उम्मीद करते इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। तो त्रिशूल बैच हमारे नाम, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ पूरा का पूरा पढ़ोगे, ठीक है? करे सरकारी नौकरी की पक्की तैयारी राघव सर के साथ। चल बहुत बढ़िया। हाँ, डेली क्लास चलेगा बच्चा। सुभाष, आप बिहार से हो यार, बिहार को इतना प्यार करते हैं, फिर भी बिहार में तुम नहीं शेयर कर पा रहे हो, गलत बात। श्वेता बागरी कह रही रिवीजन क्लास का टेस्ट लगवा दो, लगवा देंगे, तुम जैसा आदेश दो। चलो अब बात करते हम लोग, यहां पर खत्म हो गया, अब बात करते हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश लगा लो हेडिंग, शिशु नाग, मतलब नाग का शिशु। शिशु नाग वंश जो होता है वो होता है नाग दशक के समय में अमात्य, और अमात्य का मतलब होता है मंत्री। तो भाई साहब, शिशुनाग वंश की स्थापना राजा शिशुनागे करते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक और कोई नहीं था, शिशुनाग ही था, जिसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक की हत्या करके एक नए वंश का निर्माण किया, जिसका नाम रखा उसने अपने नाम पर, जिसको कहते हैं शिशुनाग वंश। और ये गद्दी पर बालक कब बैठा? 412 ईस्वी में बैठा। 412 ईस्वी में शिशुनाग गद्दी पर बैठा, भाई साहब याद रखिएगा, ठीक? चल सभी लोग बिहार से हैं, अरे बिहार विहार जहां से बच्चा सब जगह शेयर कर दो, हर जगह शेयर की जरूरत है, ये मान लो ना, ठीक? फिर आगे बात समझो। शिशुनाग ने तुरंत क्या किया? सभी राजा उदयन तो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र चला ही रहा है, क्योंकि पाटलिपुत्र स्थापित कर, देखो बिंबिसार अजात शत्रु राजगृह चलाई, राजगृह के बाद उदयन पाटलिपुत्र चलाई, लेकिन शिशुनाग वो इतने खतरनाक आदमी रहे, वो तुरंत अपनी राजधानी पेपर में पूछा जाता है कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली कर दी, चेंज। कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली कर दी? वो शिशुनाग वंश का क्या था? संस्थापक ही था, जिसको कहते हैं शिशुनाग। तो उम्मीद करते इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी भाई साहब। और शिशुनाग के बारे में कुछ ना जानो, एक चीज जान लेनो, इसने कौन से राज्य को जीता था? अवंती को जीता था, अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अवंती को जीता था किसने? शिशुनाग ने। फिर शिशुनाग के बाद जो गद्दी पर बैठेगा इसका बेटा बैठेगा, जिसको कहते हैं काला शोक। और काला शोक के बारे में ज्यादा प्रश्न तो नहीं आते, एक प्रश्न आता है, वो भी बिल्कुल छपा छपाया। पहली बौद्ध संगीति, मतलब बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो बैठक के सम्मेलन हुई थी राजगृह में हुई, राय जय का नाम रहे अजात शत्रु, और उनके समय अध्यक्षता करें नायको महाकश्यप। और दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? तो काला शोक के समय में हुई। और याद रखिएगा, काला शोक के समय में सेकेंड बौद्ध संगीति हुई, और दूसरी बौद्ध संगीति हुई ये कहां पर हुई? तो बच्चा हमने बौद्ध धर्म में पढ़ाया था, कहां पर हुई? वैशाली में। और सबसे बड़ी बात तुमको हम बता दें कि भाई साहब, इस बौद्ध संगीत में राजा तो थे काला शोक, लेकिन अध्यक्ष कौन बने बैठे थे? तो अध्यक्ष का नाम था सभा कामी।
क्या नाम था? सबा कामी। ठीक, सबा कामी द्वितीय बौद्ध संगीत के क्या थे? अध्यक्ष थे, और ये राजा थे कालाशोक। क्लियर? चलिए प्रीति जी, आपने 15 लोगों को शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद मैं करता हूँ सभी बच्चों का। चलो इस प्रकार ये पूरा का पूरा तुम्हें समझ में आ गया। अब यहां बात समझ लेना, शिशुनाग का जो अंतिम शासक है उसको कहते हैं नंदीवर्धन। केवल जैसे नागदशक को याद कर लिया था, उसी प्रकार शिशुनाग में भी याद कर लो, अंतिम शासक का क्या नाम था शिशुनाग वंश का, उसको कहते हैं नंदीवर्धन। बाकी पूरा का पूरा मामला यहां पर क्या होगा? समाप्त। पूरा का पूरा हर्यक के बाद समाप्त हो गया शिशुनाग भी। और स्क्रीन शॉट फटाफट ले लो जल्दी से। चलो भाई साहब, इस प्रकार शिशुनाग वंश होता है समाप्त। अब शिशुनाग के बाद, अब ये देखो प्रीति बिटिया कह रही है कि 500 क्या 5000 हो जाएंगे आपके लायु, आपकी क्लास इतनी बेहतरीन होती है बिटिया, तुम्हारे मुहिमा घी सक्कर। अगर जौने दिन 5000 हो गए भाई, का होई हमका खुदे नहीं पता। ठीक, सबसे पहले ये जो बच्चा हैं, जितने बच्चा अंकेश नरेश प्रीति अपराची धर्मेंद्र आदित्य संजय, जितने बच्चा हैं, अब बदमाशों का शहर बुलंद शहर। ठीक, तो भाई साहब इतने बच्चन का हम रोज नाम लेवा कर बे सुबह शाम, ये हमार भगवान हुई है भी यो मान लो। ठीक, चलो हाँ, ये देखो सोनू कह रहे पानी क्यों पीते हो, हम तुमते पूछी तुम क्या खाना खाते हो, ना खावा करो। चलो भैया अगला देखो, शिशुनाग के बाद जो अगला वंश पढ़ेंगे वो नंदीवर्धन की हत्या करके गद्दी पे कौन बैठेगा भाई साहब? तो देखो शिशुनाग को लगा देते कोने में, इसी यहां पर वंश डालते जिसको कहते हैं नंदीवर्धन की हत्या करके गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था नंद वंश। नंद वंश पढ़ा, नंद वंश के जो संस्थापक फाउंडर माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? वो कहा जाता है महापद्मनंद। महापद्मनंद, क्लियर? नंद वंश के संस्थापक जिसको कहते हैं महापद्मनंद। और महापद्मनंद का याद रखिएगा, पेपर में भैया प्रश्न बहुत ताबड़ तोड़ाते हैं जो आपकी किताब में नहीं है। इनकी रही उपाधि, एक उपाधि का नाम रहा जी का नाम रहा एक राट, और एक उपाधि का नाम रहा जी का नाम रहा भार्गव। देखो हम कोई हुई प्रश्न बताइए जो तुम्हारे किताब में मिली है, और एक उपाधि का नाम रहा सर्व छत्रांतक, एक राट भार्गव और सर्व छत्रांतक। क्लियर? ये सारे के सारे रही कई की उपाधि, कई की महापद्मनंद की, बस एमा इतने पूछा जाए। उसके बाद महापद्मनंद के बाद गद्दी पर जो अगला शासक बैठा उसका नाम रहा घनानंद। का नाम रहे? घनानंद। और घनानंद जो रहे, तो बात समझो बहुत ध्यान से, घनानंद के दरबार में रहते थे चाणक्य। चाणक्य रहते थे। एक बार घनानंद ने बेइज्जती कर दी किसकी? घनानंद, चाणक्य की। घनानंद ने भरे दरबार में चाणक्य की बेइज्जती कर दी, और जब बेइज्जती कर दी तो चाणक्य को बात दिल पे लगी, अब निकाल दिया दरबार से, चाणक्य चले गए। जब चाणक्य चले गए, बस रास्ते में प्रतिशोध की ज्वाला उनके मन में भड़क रही थी, और उस ज्वाला को शांत करने के लिए वो बस इधर उधर देख रहे थे कि घनानंद से बदला कैसे लेना है। और जब जा रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चे एक राजकीलम का खेल खेल रहे थे, और राजकीलम का खेल जो होता था वो राजा रान वाला होता था, सिंहासन वाला।
उन्हीं में से एक बच्चा दिखा और चाणक्य उसको अपने साथ ले गए और सारी शिक्षा दीक्षा दी। जब वो बड़ा हुआ तो भाई साहब वो व्यक्ति कहलाया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया चाणक्य ने। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि तुमको मैंने सिर्फ इसलिए तैयार किया कि मुझे घनानंद ने बेइज्जती करके बाहर निकाला था, तुम्हें बदला लेना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया, जिसके बाद एक नए वंश का शुरुआत होगी जिसको कहा जाएगा मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मंत्री थे प्रधानमंत्री वो चाणक्य बने थे। तो भाई साहब चाणक्य के बाद यहां पर चाणक्य के बारे में तुम्हें समझ में आ गया होगा और घनानंद के बारे में भी समझ में आ गया कि मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश था, नंद वंश था। और नंद वंश के अंतिम शासक जिनका नाम था घनानंद, और घनानंद को पराजित किसने किया, तो वो किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका बदला लिया, चाणक्य का। तो उसके बाद रखा क्या, मौर्य साम्राज्य। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा भाई साहब, क्या बात है, मजा आ गया ना। तो मौर्य साम्राज्य तो कल पढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच घनानंद नंद वंश में शासन कर रहे होते हैं, एक विदेशी शक्ति तड़ 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 आती है और उस शक्ति का नाम होता है सिकंदर महान। सिकंदर महान। और जब सिकंदर महान भारत पे सारा विश्व जीतने के बाद भारत की तरफ कूच करता है, तो भाई साहब उस समय भारत में शासक कौन बना बैठा होता था, वो बना बैठा था घनानंद। ठीक है, अर्चना जी कह रही हैं हमें आपको पढ़ाते देखकर हम भी एक टीचर ही बनना चाहते हैं। मेरी सारी दुआएं हैं बालिका आपके साथ, आप टीचर बने, हमसे बड़े टीचर बने। हमारा सारा आशीर्वाद, हमारा सारा प्यार, हमारी सारे गुड ब्लेसिंग हैं आपके लिए बेटा, बहुत बढ़िया। अमरपाल आप कानपुर से हैं, अच्छा आप कानपुर से 5000 लाइव करवाएंगे मेरे भाई साहब, कसम बता रहे हैं तुम्हारे नाम लड्डू फोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक, बहुत बढ़िया, जरूर जरूर जाओ यार, सभी लोग जिनकी हमने शेयर किया है एक बार सर की मेहनत देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा कितनी बेहतरीन क्लास। धन्यवाद बेटा प्रीति। चलो आप समझो मेरे बालक सिकंदर के बारे में, सिकंदर आक्रमण कर देता विदेशी शक्ति के बाद में, और इधर साम्राज्य बट जाता है घनानंद के बाद। जो भारत में शासन होगा वो होगा किसका, मौर्य साम्राज्य का। पूरा का पूरा कहानी बता दिया। और अब पेपर में इसीलिए प्रश्न आता, जब भारत पे सिकंदर का आगमन होता है तो भारत में कौन सा वंश चल रहा होता है, नंद वंश। भारत में कौन सा राजा शासन कर रहा होता है, घनानंद कर रहा होता है। क्लियर, चलो भाई साहब देखो आगे। अब यहां पे लगाते हैं हम लोग क्या, सिकंदर महान। सिकंदर के बारे में देख लेते कितने प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, और जो पेपर में प्रश्न है हर बार पूछे जाते हैं भाई साहब, हर बार पूछे जाते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर देना, सिकंदर के बारे में समझ ले मेरे बालक। सबसे पहला तो प्रश्न आता है सिकंदर का जन्म कब हुआ, सिकंदर का जन्म हुआ 359 BC में, 359 BC में हुआ। सिकंदर के पापा का क्या नाम था, मतलब पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था जिनको कहते हैं फिलिप।
फिर सिकंदर की बीबी का क्या नाम था? पत्नी का। तो पत्नी तो तुम लोग किसी के नहीं छोड़ोगे। चलो भैया, एग्जामिनर अगर राजाओं की पत्नी पूछ लिया तो बच्चा हमारा खट्टे से बताएगा। इनकी पत्नी का नाम है रेक्सोना, जो रेक्सीन नहीं होती, रेक्सीन, केवल रेक्सीन यहाँ पर बड़ी की मात्रा हटा के बड़ा का मात्रा जोड़ देगा, कुछ होने की इनका। ठीक, चलो मुकेश जी, अनुज जी, हाँ दरोगा बना चाहते हो हमका? अच्छा तुम लोग दिल के कहा चाहते हो राघव सर की क्लास कितनी दूर तक जाए? क्या राघव सर यही छोटे मोटे टीचर बन के समाप्त हो जाओ? तुम लोगों के का लागत हमका वो आगे जाए चाहिए कि ना जाए चाहिए, तुम बताओ। अगर ना जाए चाहिए हम चुप ऐसे पढ़ाओ कर डरा के, ठीक। अगर जाए चाहिए हवा भूतित पढ़ेबे फिर कहू न डरेबे, कहेंगे हमें साथ हमारा बच्चा है। अब बच्चा जी के साथ है फिर कहू न डरे, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा कितने बच्चे चाहते हैं दिल से भाई साहब? अच्छा सभी लोग नहीं चाहते, कोई बात नहीं। हाँ इनके पिता का नाम पता चल गया, इनके जन्म पता, पत्नी का पता चल गया। अब यहीं पे याद रखिएगा, पिता जो है शासक बना इसके जन्म के तीन साल बाद, जिसको कहते हैं 356 BC। शासक बना 356 BC में, और सिकंदर के पिता जिनका नाम था फिलिप, कहाँ के शासक बने? तो याद रखिएगा मकदूनिया के शासक। मकदूनिया के शासक कौन बना? तो बना फिलिप बना भाई साहब 356 BC, मतलब जन्म के तीन साल बाद। और आपको पता BC का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। शीतल जी आप मथुरा से देख रही हैं, राधे राधे जय श्री कृष्ण। चल चल क्लियर हो गई बात, तो उम्मीद करते इतनी बात पता चल गई। अब यहीं पे एक चीज याद रखिएगा बहुत अच्छे से, सिकंदर जो था सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, इधर एक शब्द लिखूंगा प्लेटो, और एक लिखूंगा अरस्तु, और एक लिखूंगा सिकंदर। भाई साहब प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य का नाम था सिकंदर। ये पूरा का पूरा क्रम आप याद कर, प्लेटो अरस्तु सिकंदर तीन लोग रहे, क्लियर, तीन लोग रहे और सबके गुरु तुमका पता चलिए। अरस्तु के गुरु प्लेटो, अरस्तु का शिष्य सिकंदर, सिकंदर का गुरु अरस्तु, और ये वही अरस्तु रहे जिन्होंने कहा था जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, मतलब जो तंत्र लोकतंत्र होगा वो जनता के लिए जनता के द्वारा जनता के द्वारा होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हाँ मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। सिकंदर का एक प्री घोड़ा था, उस प्री घोड़ा का नाम क्या था? तो याद कर लो बहु केफला। और इनको अपने घोड़े से इतना प्यार हो गया कि इन्होंने अपने घोड़े के नाम पे एक नगर बसा दिया, एक नगर बसा दिया जिसको कहते थे बहु केफला नगर। पेपर में पूछा एग्जामिनर ने कि बहु केफला किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहु केफला झेलम नदी के किनारे स्थित है। भाई साहब किस नदी किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित, बहु केफला नगर। और बहु केफला क्या था? बहु केफला सिर्फ एक प्री घोड़ा था, किसका? सिकंदर का, इतना फर्क था और कुछ, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बड़ी जबरदस्त अंदाज में समझ में आ रही होंगी, नहीं भी आ रही होंगी तो आप हमसे प्यार तो करते ही होंगे। सिकंदर ने सोचा अब भारत विजय का अभियान, तो पेपर में प्रश्न आता 326 BC,
326 बीसी में इसने क्या किया, भारत विजय का अभियान शुरू कर दिया। भारत विजय का क्या कर दिया, अभियान शुरू कर दिया। किसने? सिकंदर ने 326 बीसी में। अब भारत विजय का अभियान चालू कर दिया तो भारत के साथ इसका सेनापति भी आया और उस सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर और सिकंदर के साथ एक सेनापति ये तो आए थे, साथ में एक आए थे जिनको कहते हैं जल सेनापति। एक थे जल सेनापति जिनका नाम था निर्याकस। निर्याकस भी याद रखना, जल सेनापति और सेनापति दोनों याद रखना जो सिकंदर के थे। क्लियर हो गई बात? तो ये बात बड़े अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर? फिर आगे बात समझो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? फिर यहां पे बात समझोगे भाई साहब बहुत अच्छे से। सिकंदर जो था, सिकंदर का एक युद्ध हुआ भारत, वो हुआ, उस युद्ध का नाम पड़ा हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच का युद्ध। हां बच्चा, यहां पे थोड़ी सी गलती हुई। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक थे और जो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, वो अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन साहब ने। ठीक, चलो। फिर हाइडे स्पीच का युद्ध, और इसी युद्ध को एक और युद्ध कहते हैं जिसको कहते हैं झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध, या इसी युद्ध को झेलम की प्राचीन नदी के बारे में वैदिक काल में बताया था जिसको कहते हैं वितस्तता का युद्ध। चाहे झेलम का युद्ध बोल लो, चाहे वितस्तता का युद्ध बोल लो, चाहे हाइडे स्पीच का युद्ध बोल लो। और ये जो युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच हुआ, तो याद कर लो, सिकंदर प्लस राजा पोरस के बीच में। सिकंदर प्लस राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ। कौन सा? हाइडे स्पीच या झेलम या वितस्तता? तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना। क्लियर? एक प्रश्न आता बाद में, सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी पार करने से मना कर दिया था? तो याद कर लेना, ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया सिकंदर की सेना ने। तभी सिकंदर भारत से लौट जाता है, और जब लौट जाता है स्थल मार्ग से लौट गया, बाद में जाके सिकंदर की हो जाती है मृत्यु। तो सिकंदर की जो मृत्यु होती है वो 323 ईसा पूर्व मतलब बीसी में, और कहां पर होती है मृत्यु, तो याद रखिएगा बेबीलोन में। बेबीलोन में जाके सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार सिकंदर के बारे में आप पूरा का पूरा जान गए। कमलेश जी कह रहे मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लास लो। देखो मैं चलूंगा सीरियल से, हम इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक, चलो। तो उम्मीद करते आज आपको क्लास बड़ी जबरदस्त लगी होगी, समझ में भी आया होगा, लेकिन लाइक शेयर तुमने नहीं किया। बहुत बच्चे हैं डिसलाइक किए होंगे, बहुत बच्चे लाइक किए होंगे, उनकी मर्जी, जो उनका इच्छा। ठीक, तो साथियों हमने अपनी तरफ से पूरा का पूरा सिकंदर और मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में बता दिया। कल शाम को 7 बजे हम लोग जो मिलेंगे, जो बात करेंगे, वो बात करेंगे पता किसके बारे में, वो बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य काल के बारे में। ठीक, एक एक प्रश्न बताएंगे तुमको। अब तुम लोग हमें कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी भाई साहब, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। महेंद्र संध्या हैकिंग, हाँ मजा आ गया, बहुत सभी बच्चों को मजा आया ना भैया, पूरा सिकंदर के बारे में बता दिया। मुनेश जी बहुत अच्छी क्लास हुई सर जी, चले थैंक यू। आनंद ही आनंद, परमानंद,
अनुज यादव बहुत मजा आया, ओम प्रकाश लोधी सुपर, थैंक यू बेटा, माया सिसोदिया, महेंद्र, संध्या, सभी बच्चे हमारा ऐप डाउनलोड कर लें जिसका नाम है स्टडी पाई, ठीक है, बिल्कुल MPPSC की भी तैयारी होती, सब की तैयारी होती, मस्त मस्त आनंद ही आनंद परमान, बिल्कुल सभी बच्चों को मजा आया। भैया टारगेट रख लो डेली 10-10 सब्सक्राइबर को जोड़ने का, और अगर ये नहीं रख पा रहे तो बेकार है भैया। हम हमने पूरी जान से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से एक एक कंटेंट को निचोड़ के ऐसा बनाते हैं कि लूसेंट बनाने वाले ने क्या बनाया, लेकिन आप भी याद रखोगे कि राघव सर ने लूसेंट को क्या बना दिया। देखो ये भाषा, बोली, बाचा, ये तो सर मान लो अपने अपने लैंग्वेज, अपने अपने क्षेत्र के, लेकिन दिल तो दिल तुमसे ही मिलता है, और जब दिल मिलता है लेकिन दिल तुमको भी मिलाना पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलिए साथियों अब मैं सबसे विदा लेता हूँ, ठीक, हाँ ऐप डाउनलोड कर लो सभी लोग स्टडी पाई, वहाँ पर त्रिशूल बैच मिलेगा, और GS पढ़ना हो तो सब लोग पहुँच जाओ, ठीक, चल तो सभी लोग बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को बता दें त्रिशूल बैच सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, ठीक, मुनेश जी चलिए बहुत बढ़िया, हाँ सभी बच्चों से कहना चाहते हैं त्रिशूल बैच का मतलब है पूरी GS पढ़ना, भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण, करंट अफेयर्स सब कुछ पढ़ा देंगे, एक साल की वैलिडिटी है, अब मात्र 1499 रुपये है, कोई दिक्कत हो आप कॉल करो, सोल्यूशन दिया जाएगा, और GS पूरी पढ़ा दे भैया, एक एक चीज पढ़ा दे, और लूसेंट से स्टैंडर्ड लेवल अप है, वहाँ पे जो GS का स्टैंडर्ड लेवल क्या है अप है, वो सारे एक एक स्टैंडर्ड बुक से छटा हुआ मटेरियल है। चल तो साथियों, अच्छा बच्चे कह रहे 2 घंटे क्लास कर दो, भाई साहब 2 घंटे क्लास पता क्या, तुमको ये रियलिटी बता दे, बुरा ना मानना भाई साहब, अभी ये मान चलो कि हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ शौक के लिए, अभी ये मान लो अभी जो पैसे जो हमको परिवार चलाना पड़ता है वो भाई साहब हमको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है, और वो ज्वाइन करने के बाद मेहनत जो पड़ जाती है वो ज़्यादा से 1 घंटे क्लास ही दे पाते हैं, ठीक, अभी तुम लोगों को लगता है यूट्यूब से सर जी चीरे फाड़े दे रहे हैं, तो बच्चा ऐसा कुछ नहीं, भूल है तुम्हारी, बस ये मान लो यूट्यूब से बिजली एक बिल भर जाए और डिजिटल बोर्ड में क्लास चल जाए, इतने हमारे लिए बहुत है, नेट का खर्चा लागत, यूट्यूब सबका खर्चा लागत, ठीक है, तो ये चीज़ मान चलो कभी गलत ना सोचा करो, ठीक, चलो हाँ मुनेश दीपांशु सभी बच्चों को गुड नाइट, गुड नाइट, अब बच्चा मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्टडी पाई ऐप तुरंत डाउनलोड करें, त्रिशूल बैच ज्वाइन करें, साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।